Dear students, CBSE Class 10 and BSEB Class 12 का English Literature एवं Grammar का complete solution पाने के लिए आज ही subscribe करें Let's Learn English और बगल में आए घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। Hello everyone, welcome back to Let's Learn English. मैं PS ठाकुर, आपका English guide and motivational speaker. Dear students, हम आज के इस वीडियो में discuss करेंगे A Letter to God by G.L. Fuentes के द्वारा जो स्टोरी था ए लेटर टू गॉड उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो ओरल क्वेश्चन एंड आंसर था वो तो हमारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में ही आपको मिल गया है, और जो बाकी क्वेश्चन बच गए थे जो कि पेज नंबर 7 और 8 में है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, वो आपके आज इस वीडियो में मिल जाएगा. ठीक है, अगर आप लोगों ने वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरा स्टोरी को मात्र 30 मिनट में मैंने कंप्लीट किया है, एक्सप्लेन किया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक है. तो पहले जाकर के वो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देख ले जिससे कि आपको पूरा कहानी समझ में आ जाए, और जब कहानी समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान बात हो जाएगी. तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन के तरफ, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है Who does Lencho have complete faith in? Lencho का पूरा भरोसा जो है वह किस पर रहता है. ठीक है, Which sentence in the story tell you this? और आपको इस कहानी में कौन सा sentences है जो बताता है कि Lencho को किसी पे भरोसा था. ठीक है, तो Lencho has complete faith in God. Lencho को पूरा का पूरा भरोसा किस पे था? भगवान पे था. As he is instructed that God knows everything and helps us in our problem. जैसे कि Lencho को कहा गया था कि भगवान को सब कुछ पता है और वो हमारे समस्या में हमारी मदद करता है, और इस बात पे Lencho को भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था. कुछ सेंटेंसेस है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस. आपको इस कहानी में आखिर कौन कौन से सेंटेंस है जिससे ये पता चलता है कि Lencho को भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था. ठीक है, तो देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शोज अस लाइक जैसे कि पहला है बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. तो ये लाइन है आपके कहानी का जिसमें कहा गया है कि उस वैली में जो एकमात्र घर था, ठीक है, और उस घर के जितने भी सदस्य थे उनके सभी के दिलों में एकमात्र आशा था, और वह आशा था भगवान का मदद. आखिर वो भगवान के मदद का आशा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका जो एकमात्र जीने का जरिया था, उनका अनाज, वो बारिश में बर्बाद हो चुका था, इसीलिए अब उनका एकमात्र उम्मीद भगवान से ही थी. दूसरा सेंटेंस पे आते हैं जो हमें बताता है कि Lencho को भगवान पे भरोसा था. ऑल थ्रू द नाइट Lencho थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. ठीक है, तो पूरा रात क्या हुआ उस दिन, जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन Lencho पूरा रात जो है वो अपने एकमात्र आशा के बारे में सोच रहा था, वो था भगवान का मदद. और रात भर जैसे कि Lencho को ये मालूम था, ठीक है, Lencho को बताया गया था कि भगवान वो सारे चीजों को देख सकते हैं जो हमारे अंतरात्मा में भी हो. ठीक है, तो भगवान को पता था कि Lencho बहुत ज्यादा परेशानी में है. ठीक है, ये भी कहानी का ही लाइन है. ठीक है, अब तीसरे नंबर पर तीसरा ऐसा सेंटेंस जो हमारे स्टोरी में हमें बताता है कि Lencho को भगवान पे भरोसा था, वो है गॉड ही रोट If you don't help me, my family and I will go hungry this year. ठीक है, तो ये भी तीसरा लाइन है जिसमें जब वो पत्र लेकर के पोस्ट ऑफिस जाता है तो पत्र के ऊपर वो लिखता है, वहां पे पत्र में लिखता है भगवान. ठीक है, और क्या कहता है उसमें, वो सेंटेंस क्या लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रहेंगे. ठीक है, तो आखिर वो भगवान पे भरोसा करता था, इसीलिए वो डायरेक्ट पत्र किसको लिख रहा है, भगवान को लिख रहा है, और ये कहते हुए लिख रहा है कि अगर आपने मदद नहीं किया तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा और गुजारना पड़ेगा. ठीक है,
चौथा में आ जाते हैं ही रोट टू गॉड, उसने पत्र पर लिखा था ना, ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने क्या किया कि एनवेलप पर टू गॉड लिखा था और उसके बाद वो टाउन चला गया था, पोस्ट ऑफिस चला गया था लेटर को डालने के लिए, ठीक है। तो टू गॉड जो उसने एनवेलप पे लिखा, तो वहां पे एड्रेस अगर कोई लिखता है तो एड्रेस किसके लिए लिखता है, जिसको पत्र भेजना है, ठीक है। तो उसको ये लगता था ना कि भगवान इस दुनिया में है, इसीलिए उसने एनवेलप पे टू गॉड एड्रेस में क्या लिखा था, टू गॉड लिखा था। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ठीक है। और उसने मतलब हमारे कहानी के आखिर के लाइनों में ये आता है, वो सेंटेंस है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, जब लेंचो कहता है, लेंचो को जब कम पैसे मिलते हैं तो लेंचो ये कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही वो मेरा जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है उसके लिए वो मना कर सकते हैं, ठीक है। तो यही ये पांच लाइन है कहानी का, जिसमें ये क्लियर होता है, ये पांच लाइनों में ये क्लियर होता है कि लेंचो को भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था और वो जो है उन भगवान से मदद का आशा करता था, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है Why does the postmaster send money to Lencho? क्या होता है कि कहानी में जब आप लोग उस एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, कहानी को जानिएगा, तो आपको पता चलेगा कि पोस्टमास्टर जो है वो लेंचो को पैसा भेजता है, भगवान नहीं भेजते हैं, वो पोस्टमास्टर जो है लेंचो को पैसा भेजता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, Why does he sign the letter God? ठीक है, उसने उस पत्र पे God क्यों लिखा, वो जो पोस्टमास्टर था, ठीक है, वो लेंचो के लिए पैसा भेजता है, तो सबसे पहला सवाल क्यों भेजता है। दूसरा है कि वहां पे वो जब लेटर भेजता है तो उस पे गॉड का नाम क्यों लिख देता है, ठीक है। तो ये सवाल है, इसका जवाब, द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाई लेंचोस फेथ इन गॉड, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो पोस्टमास्टर जो है वो पैसे को लेंचो को भेजता है, क्यों भेजता है, क्योंकि वो लेंचो का जो पत्र था ना, और उस पत्र को जब पोस्टमास्टर पढ़ता है तो वो ना पूरा वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, पूरे तरीके से जो है ना लेंचो के प्रति जो है उसके अंदर एक फील आ जाता है कि लेंचो को मदद की जरूरत है, ठीक है, वो प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, ये भी देखता है कि लेंचो जो है भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और लेंचो को ठेस न पहुँचे, लेंचो को ये न लगे कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, भगवान उसका समस्या को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो पोस्टमास्टर जो है वो पैसा को भेजता है लेंचो के पास भगवान के तरफ से, ठीक है, क्योंकि वो लेंचो भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। मानो कि अगर वो पैसा नहीं भेजता तो लेंचो को लगता कि भगवान इस दुनिया में नहीं है या फिर भगवान उसकी मदद नहीं करना चाह रहे हैं, तो उससे उसकी विश्वास को ठेस पहुंचता। तो उसके विश्वास को ठेस ना पहुंचे इसीलिए उस पोस्टमास्टर ने लेंचो को जो पैसा भेजा उस पर उन्होंने गॉड साइन किया था। व्हेन पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया पूरा ही, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। व्हेन पोस्टमास्टर रीड द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जब जो पोस्टमास्टर है वो लेंचो जो भगवान को पत्र लिखता है उसका लेटर पढ़ता है, ही बिकम्स सीरियस, वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है एंड डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, और उसका भरोसा को वो तोड़ना नहीं चाहता है, एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, और ये उसने डिसाइड किया कि उसको इस पत्र का जवाब देना चाहिए। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, तो उसको तो पैसा चाहिए था, जब उसने लेटर को पढ़ा तो ये समझ में आया उसे कि बस कुछ गुडविल से और पेन और पेपर से उसका लेटर का जवाब नहीं दिया जा सकता, उसके लेटर को जवाब देने के लिए उसको चाहिए पैसा, और पैसा भी तो 100 पीसोस। 100 पीसोस के लिए अब उसने क्या किया, अपने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयज़ से मदद मांगा, अपने दोस्तों से मदद मांगा और गैदर किया, पैसे को उसने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। ही पुट्स द मनी इन द एनवेलप एंड जस्ट साइंस ऑन इट गॉड, और वो क्या करता है कि उन पैसों को एनवेलप में डालता है और उस पर वो गॉड लिख करके साइन करता है। ही डज सो दैट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट शेकन, वो ऐसा इसीलिए करता है जिससे कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान पे वो टूटे ना, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने
थोड़ा भी कोशिश किया कि आखिर उसको पैसा किसने भेजा उसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, व्हाई और व्हाई नॉट, अगर किया भी, ठीक है, अगर आपने जवाब में दिया कि हाँ उसने किया तो क्यों किया, और अगर आपने किया कि नहीं उसने तो कुछ कोशिश ही नहीं किया था खोजने का तो क्यों नहीं किया था, इसका जवाब, ठीक है। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, ठीक है, लेंचो ने कोशिश ही नहीं किया कि ये जानने की कि उसको पैसा किसने भेजा है, बिकॉज क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसको तो कभी संदेह ही नहीं था कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उसको इस बात का कोई संदेह नहीं था, वो फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि भगवान इस दुनिया में है और भगवान उसकी मदद करेंगे, तो पैसा आया, भगवान ने मदद किया, फिर इसमें उसको खोजने की क्या जरूरत थी, हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसको भगवान पे पूरा भरोसा था, ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी, वो ये विश्वास ही नहीं करता कि भगवान के अलावा किसी और ने उसके लिए पैसा भेजा है, सिंपल सी बात है, वो भगवान पे भरोसा करता था, वो जानता था कि भगवान इस दुनिया में है, भगवान उसको जरूर से जरूर मदद करेंगे, उसको पैसा मिला, उसने सोचा कि भगवान ने भेजा, अब वो पता क्यों लगाए भाई, हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट ही हैड सेंट मनी फॉर हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, उसका भगवान पे इतना ज्यादा भरोसा था कि वो ये मान लिया कि उसको पैसा उसी के भगवान ने मदद के तौर पर भेजा है, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, क्या होता है कि कहानी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि लेंचो जो भगवान से 100 pesos मांगता है, ठीक है, लेकिन लेंचो को मिलता है ओनली 70 pesos, मोर देन हाफ, ठीक है, तो बाकी का पैसा आखिर गया कहां, क्योंकि लेंचो को तो मालूम था ना कि उसको भगवान ने दिया है, ठीक है, तो बाकी का पैसा उसका गया कहां, ठीक है, ये वाला सवाल यहां पे है, व्हाट इज द आयरनी ऑफ इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है, ठीक है, तो आयरनी किसे कहते हैं, आयरनी मतलब हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अभी हीरो आएगा और आकर के विलन को मारेगा, ठीक है, और मार करके क्या करेगा, हीरोइन को अपने साथ लेकर चले जाएगा, तो ये हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना लेते हैं, लेकिन उल्टा होता क्या है, उल्टा के तौर पर कि हीरो आता है, विलन पकड़ के हीरो को कूट देता है, ठीक है, और कूटने के बाद जैसे कि उसको हीरोइन को भी जब तरस आ जाती है हीरो का एक्टिंग देख करके, तो उसने क्या किया कि कहा कि ले जाओ भाई तुम अपने हीरोइन को अपने साथ ही ले जाओ, मतलब सिचुएशन का पूरा उल्टा हो गया, ठीक है, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया और आप पहले से उम्मीद कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ना होकर के सिचुएशन का पूरा उल्टा हो जाना, अनएक्सपेक्टेड हो जाना, ठीक है, तो उसे हम लोग आयरनी कहते हैं, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, वो क्या हुआ था हम लोग आंसर में देख लेते हैं, ठीक है, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 pesos, ठीक है, तो लेंचो जो है वो ऐसा सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं कर्मचारी, उन लोगों ने पैसा ले लिया है, ठीक है, क्योंकि उसने भगवान से तो 100 pesos डिमांड किया था और जब उसको लेटर मिला तो लेटर के अंदर मात्र 70 pesos थे। गॉड कैन नॉट मेक सच ए मिस्टेक, भगवान ऐसा गलती तो कभी कर ही नहीं सकते, सो ही अज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी, इसीलिए वह ऐसा मान लेता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन लोगों ने उसका पैसा ले लिया। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, ठीक है, अब इस आयरनी क्या है इस सिचुएशन में कि लेंचो उन्हीं लोग पर शक करने लगा, ठीक है, जिन लोगों ने उसके मदद के लिए है ना पैसे इकट्ठे किए, ठीक है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, और ये भी सोचा उन लोगों ने कि इसका भगवान पे से भरोसा नहीं हटना चाहिए, ठीक है, वो जो एम्प्लॉयज थे वे लोग कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उल्टा मिला क्या, तो मिला ये कि लेंचो जो है उन लोगों ने उन्हीं पर मतलब क्या किया, इंजाम एक लगा दिया कि भाई उनके मन ही मन इसने सोचा कि उन लोगों ने इसका पैसा ले लिया, यही है इस सेंटेंस में आयरनी, ठीक है, इस कहानी का यही है आयरनी, ठीक है। अब आगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पहले इसको डिलीट करना होगा, ओके, 5वां नंबर में, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या आज के इस दुनिया में लेंचो की तरह भी कोई इंसान है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, वो किस टाइप का इंसान है,
आप तो अगर कहने को मिले कि लेंचो बताओ किस टाइप का इंसान है तो आप क्या कहेंगे? यू में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। अब इनमें से आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, ये जो दिया गया है ठीक है, इसमें से आपको जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड खोजना है जिससे आप बता सकते हैं कि लेंचो क्या है। ठीक है, अब ग्रीडी का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, लालची, तो क्या लेंचो लालची था। नेव का मतलब क्या होगा, नेव का मतलब होगा एकदम सीधा साधा जो इंसान जिसको भगवान पे भरोसा हो, सीधा साधा सिंपल सा बंदा एक। ठीक है, स्टूपिड मूर्ख कह सकते हो, अनग्रेटफुल जो किसी को कृतज्ञता ना दिखाए, सेल्फिश जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, कॉमिकल हंसी वाला। ठीक है, अनक्वेश्चनेबल अनक्वेश्चनिंग मतलब जो किसी से कोई सवाल नहीं करता, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसमें से आखिर वो कौन कौन सा था उसका आपको जवाब देना है और सेंटेंस में देना है, ऐसे नहीं कि ऑप्शन में से टिक लगा देना है कि ये वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो बात यहाँ पे यह है कि आज की इस दुनिया में लेंचो की तरह इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो क्या है, अनक्वेश्चनिंग है और साथ ही साथ नेव काइंड ऑफ पर्सन है। अनक्वेश्चनिंग मतलब वैसे लोग जिसके साथ कोई भी अगर घटना हो तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। ठीक है, एक्सेप्टिंग एनीथिंग विदाउट एनी डाउट और कंफ्यूजन और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको कहते हैं अनक्वेश्चनिंग, मतलब वो क्या करता है, कुछ भी घटना होती है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई मेरी गलती है, वो कुछ भी है, या फिर उसको किसी ने कुछ दिया, हाँ भाई चलो कोई बात नहीं है। नेव काइंड ऑफ पर्सन मतलब जो सीधा साधा इंसान हो, ठीक है, जो गलत ना हो, सिंपल सा बंदा। ठीक है, ही इज नॉट स्टूपिड, वो स्टूपिड नहीं है, यहाँ पे स्टूपिड दिया हुआ ना। ठीक है, ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो हु हैज सेंट हिम मनी और लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो गॉड लिख दिया, उस पर उसने कोई एड्रेस नहीं लिखा, उसको पैसा आ गया और उसके लिए उसने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। ठीक है, वो उसको भरोसा था इसीलिए उसने ऐसा किया। इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड, ये तो लेंचो का भरोसा था ना, इसीलिए उसने मतलब भगवान लिखा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश, अगर हम लोग वास्तविक दुनिया में बात करें तो लोग क्या है, सेल्फिश है आज के समय में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था ना, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, तो नहीं भाई, लेंचो की तरह तो इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनक्वेश्चनिंग था और नहीं था, जो कि आजकल लोग दुनिया में क्या मिलता है, पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, लालची होते हैं। ठीक है, एंड लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, और लेंचो जो है वो प्यार करने योग्य था और सबसे अलग था, इसीलिए लेंचो की तरह इंसान आज के दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंफ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स themselves, हाउ आर दिस कन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे जो है इस कहानी में दो कन्फ्लिक्ट दिखा गया है, कन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का टकराव देखा गया है, एक तो मनुष्य और प्रकृति के बीच का टकराव, मतलब अनबन कह सकते हैं हम लोग, और दूसरा है मनुष्य और मनुष्य के बीच की टकराव। तो पहले होता है क्या, मनुष्य और प्रकृति के बीच की टकराव कब होता है, चलिए पढ़ते हैं। Conflicts between humans and nature. सबसे पहला conflicts between human and nature. The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crops by hailstorms, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. ठीक है, तो पहला conflict कब होता है, जब वो Lencho जो है, Lencho का फसल को प्राकृतिक के द्वारा हेलस्ट्रॉम, वो तूफान और वो पत्थर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो पहला तो मनुष्य और प्रकृति के साथ कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुआ कि लेंचो का क्रॉप को हेलस्ट्रॉम द्वारा जो है वो बर्बाद कर दिया जाता है। जब वो एक अच्छा बारिश की उम्मीद करता है, तब उसका जो कि उसकी फसल के लिए जरूरी था, वो अच्छा बारिश को एक्सपेक्ट करता है, तब
उसके फसलों को ऐसा बारिश देता है भगवान कि देते हैं कि उसके फसलों को बर्बाद ही कर देते हैं. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, ऑक्स लाइक मैन है ना. तो वो क्या है कि लेंचो एक बहुत ही बैल की तरह खटने वाला इंसान था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान था. वो अपने परिवार को पालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन प्राकृतिक क्या हो गए, उन्होंने अपना उग्र रूप अपना लिया उस वक्त, एक वायलेंट हो गए और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए. उसका होप, उसका फसल, उसका सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था. उन लोग ने ये भी सोच लिया था कि शायद साल भर हम लोग को भूखा ही गुजारना पड़े. दूसरा था कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस. दूसरा, जब कहानी के लास्ट तरफ में हम लोग आते हैं तब वहाँ पे पता चलता है. द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ. ठीक है. एज द पोस्टमास्टर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ सेंट लेंचो मनी दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड. ठीक है, तो क्या हुआ, दूसरा कब होता है, जब पोस्टमास्टर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, अपने स्टाफ के साथ मिलकर के लेंचो को पैसा भेजते हैं जो लेंचो ने भगवान से डिमांड किया था. ऑल दो दे डिडेंट नो लेंचो, जबकि वो लोग लेंचो को जानते भी नहीं थे, फिर भी उनके मदद करने के लिए वो लोग आगे आए थे. लेंचो ब्लेम देम. लास्ट में क्या होता है कि लेंचो ही उन लोगों पर अपना इंजाम लगाते हैं. किस चीज़ के लिए इंजाम लगाते हैं, टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, लेंचो को लगता है कि मैंने तो भगवान से 100 पीसोस मांगे थे, यहाँ पे स्टाफ ने 70 पीसोस ही मतलब मुझे हैंड ओवर किया लेटर के अंदर है, मतलब 30 जो पीसोस हैं वो इन्होंने ही निकाल लिया. ठीक है, ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक. उन्होंने लेंचो ने उन लोगों को ए बंच ऑफ क्रूक बोला, एक बदमाशों का झुंड, एक बदमाशों का गिरोह बोला. ठीक है, दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन. इससे यह पता चलता है कि इंसानों को इंसान पे अब भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट. और इसी से यह कन्फ्लिक्ट शुरू होता है. अब देखिए, इसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस बच गए हैं, वोकेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बच गए हैं, तो ये सारा क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि वो ग्रामर से रिलेटेड था, मैथ्स द फ्लोइंग था, इतना कुछ समझाना पॉसिबल नहीं था. पॉसिबल मतलब यही होता कि वीडियो लंबा हो जाता और आप लोग देखते हैं नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, उनका जो भी आंसर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकर के नोट कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद.